है। यहाँ खुदाई के दौरान जमीन से 15 फुट नीचे एक कार मिली है जिसमें 2 शव बरामद हुए हैं, जिनमें से एक महिला की पहचान 1 साल पहले लापता हुई महिला के तौर पर होने का शक जताया जा रहा है। साथ ही कार में एक पुरुष का शव भी बरामद हुआ है। दोनों शव कार की पिछली सीट पर मिले हैं, जिसके चलते ये सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर कार कौन चला रहा था और ये कार दलदल में कैसे पहुंची। सवाल ये भी है कि ये हत्या है, साजिश है या फिर हादसा। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। फिलहाल कार किसकी थी ये पहचान हो गई है, कार के मालिक की पहचान हो गई है। यमुनानगर के छप्पर थाना के कोतरखाना गांव में नेशनल हाईवे की खुदाई के दौरान हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सड़क बनाने के लिए जमीन की खुदाई की जा रही थी, खुदाई 15 फुट गहराई तक पहुंची तो जो कुछ नजर आया वो हिला देने वाला था। जमीन के 15 फुट नीचे एक कार मिली जो कि अपने अंदर कई सवाल समेटे हुए थी। कार की पिछली सीट पर 2 लोगों के शव पड़े थे, एक महिला और एक पुरुष। कार के नंबर से कार के मालिक के बारे में पता चला तो सामने आया कि कार के मालिक और एक महिला के लापता होने की रिपोर्ट 1 साल पहले दर्ज कराई गई थी, जिसके चलते ये शव उन्हीं दोनों के होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। जो गाड़ी मिली है उसकी नंबर प्लेट भी उसमें मिली है, नंबर प्लेट से आइडेंटिफाई भी हुआ है वो गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड थी और कौन था वो आदमी। और प्राइमरली हमें पता भी लगा है कि उसके अगेंस्ट भी कुछ केसेस रजिस्टर्ड थे और वो महिला भी जो गायब थी, और जो ये अभी पता लगा है तो ये संभवतः वही लोग हो सकते हैं और आगे जो इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसमें पता लग जाएगा। उससे ही या अपनी नेग्लिजेंस की वजह से या और किसी एक्सीडेंट की वजह से वो कार उस खड्ड में गिरी है और उसके बाद वो किसी को पता नहीं चला ऐसा कुछ हुआ है, ये जो खुदाई के दौरान सामने आया। चौंकाने वाली बात ये थी कि कार की ड्राइविंग सीट खाली थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर कार कौन चला रहा था और कार दलदल तक कैसे पहुंची। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुट गई है। प्लेट्स हो सकता है उससे इसका कुछ लेना देना नहीं हो, हो सकता है कि उससे मैच करे तो वो सामने आ जाएगा, उसको हम उसके पीछे उसके ऊपर लगे हुए हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, उसकी डीएनए मैचिंग भी होगी, क्या वही वाकई वही वो लोग हैं कि नहीं है, फ्रंट सीट बैक सीट कोई और कोई बॉडीली इंजरी वो पता नहीं, उस चीज़ से हमें सामने आ सकती है कि नहीं आ सकती है। बॉडी को हम पीजे रोहतक में ऐसे जो बॉडीज होती हैं या होता है सिस्टम उसको हम पीजे रोहतक भेजते हैं आगे कार्रवाई के लिए। वहीं एक स्थानीय निवासी का कहना है कि इस दलदल में अक्सर कारें गिर जाती थी जिन्हें वक्त रहते निकाल लिया जाता था, लेकिन इस कार के गिरने के बारे में पता ही नहीं चला। खुदाई जी है जी ये काफी इतने दलदल रही है, मिट्टी पुट्टी सी लोगों ने इतने कई बार जो गड्डिया को स्पीड से आदि वो इतने गिर जाए जिन्हों का पता लग जाता नाल दी नाल निकाला जाता है क्योंकि रात को पता नहीं किस टाइम गिरी है। अब कितनी गहरी खुदाई हुई है जिसमें ये मिला? एक घट्टो घट भी 10 फुट के करीब है जी, एक लेडीज है जेंट्स है। जमीन के 15 फुट नीचे से कार मिली है और कार की ड्राइविंग सीट खाली है। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे ये कार किसी हादसे का शिकार हुई है या फिर साजिश का। इसका खुलासा मामले की गहन जांच के बाद ही हो सकता है। वीना रानी, जी मीडिया, यमुनानगर। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी संवाददाता वीना। वीना, कार की पहचान हो गई है और एक पुरुष और एक महिला के जिस तरीके से बताया जा रहा है 1 साल पहले लापता होने की जो शिकायत है वो की गई थी और ये शव उन्हीं का समझा जा रहा है। आपसे यहाँ ये जरूर समझना चाहेंगे कि पोस्टमार्टम कब तक होगा और क्या जिनका जो लापता हुआ था जो एक कपल उसके उनके परिवार से क्या कोई संपर्क साझा गया है? जी रीना, मैं बताना चाहूंगी कि जिस युवक की और जिस महिला की लाश इस कार में से बरामद हुई है उनकी जो डेड बॉडीज है उनको चंडीगढ़ रोहतक में भेज किया गया है और स्कैनिंग की टीम तैयार की गई है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि जिस महिला से जो महिला यमुनानगर में 1 साल पहले से गायब हुई थी और जिसका मामला थाने जिसकी गायब होने की जो शिकायत थाने में पहुंची थी क्या ये वही महिला है और तभी कंफर्म हो पाएगा कि जो महिला की शिकायत यहाँ पर हुई है वही महिला है। और ये इस बात का पता रोहतक के जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल अगर बात की जाए गाड़ी की तो वो यमुनानगर की HR02AA 5500 गाड़ी है जो कि यमुनानगर की है। अभी उनके परिवार वालों के बारे में बात तो नहीं हो पाई है
क्योंकि अभी तक कुछ क्योंकि उस महिला के बारे में पता नहीं चल पाया कि वो वही महिला है जो गायब हुई थी ये नहीं हुई। जी रीना जी, क्योंकि अभी ये साफ नहीं पाया, लेकिन वीना जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गाड़ी की पहचान हो गई है, गाड़ी के मालिक के बारे में जानकारी मिल गई है और उसके लापता और उसके साथ एक महिला के लापता होने की शिकायत लिखाई गई थी। जी रीना, शिकायत ये महिला एक साल पहले जो गायब हुई थी इसके थाने में गायब होने की जो कंप्लेंट भी लिखवाई गई थी, लेकिन जो इनकी डेड बॉडी है वो रोहतक पीजीआई में भेजी गई है। पोस्टमार्टम होने की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि जो वही महिला है, गाड़ी की पहचान तो हो गई है। पुलिस इस मामले में पूरी जांच कर रही है और जो गाड़ी के मालिक है उनके घर तक पहुंचे, उनके घर वालों से बात भी कर रहे हैं, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि जो गाड़ी के मालिक हैं और जिनकी अगर उनसे गाड़ी गायब हुई तो उस वक्त इस गाड़ी की तलाश क्यों की नहीं की गई थी पुलिस की तरफ से, क्योंकि ये जो गाड़ी इस दलदल में जाती थी जो गाँव के बिल्कुल बाहर का रास्ता है जहाँ पुलिया पड़ती है, अगर ये वहाँ पर गाड़ी जैसी भी थी तो उस दौरान अगर तो जो गाँव वाले थे वहाँ से भी उनका आना जाना था, उन्होंने भी किस तरह से गाड़ी को देखा क्यों नहीं था, क्योंकि खुदाई इसकी अब शुरू हुई है, क्योंकि पहले खुदाई इसकी नहीं थी क्योंकि वहाँ पर सड़क बन रही थी, क्योंकि तब दलदल भी इतनी गहरी नहीं होगी, लेकिन गाँव वालों ने या किसी ने किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया। जबकि इस गाड़ी के गायब होने की शिकायत भी थाने में पहुंची, उसके बावजूद पुलिस ने इस गाड़ी के गायब होने का तलाश भी शुरू की, तलाश भी नहीं की थी, लेकिन आज जब सड़क के दौरान इसकी खुदाई हुई है तो इस गाड़ी के बारे में पता चला है। जी जी, तो वैसे ही तो महिला के पता होने से जो महिला और जी बिल्कुल, तो अब ये जांच का विषय है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगी कि क्या ये जो डेड बॉडीज मिली हैं ये उन्हीं की है या फिर ये कोई और है। बहुत बहुत शुक्रिया वीना तमाम जानकारी के लिए।